देख सकते हैं। और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में खादिम मोहल्ला स्थित घर लेकर गौर को जाया गया और कई पुलिस थानों के थानाधिकारी इस वक्त मौजूद थे और उस समय उसके बाहर जो ये बता दें कि ये मौजूदगी थी तो एक अलग सा ही माहौल था। 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है गौहर चिश्ती। और मनवीर हमारे साथ जुड़े हैं। मनवीर, आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपसे पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो घर लेकर गई पुलिस, क्या क्या हुआ, कैसा माहौल हुआ, क्यों घर लेकर गई और इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए गगन, दरगाह के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के चार सन से जुदा के जो नारे लगे थे उसका मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती है और गौहर चिश्ती को जब गिरफ्तार किया गया है, 22 तारीख तक अदालत ने इसको पुलिस रिमांड पर सौंपा है और उसी दौरान आज अचानक से पुलिस इसको लेकर के जो खादिम मोहल्ला और पन्नीगरान इलाका है वहां पर पहुंची है। पन्नीगरान इलाके में सौदागर मोहल्ले में जो एक मकान इसका बताया जा रहा है उसमें एक जो कमरा है वो इसके खुद के पास में, बाकी का जो पोर्शन है वो इसने किराए पर दे रखा है, लेकिन जो इसका खुद का कमरा है वहां पर पुलिस अंदर पहुंची है और जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों की तलाश है और उसके साथ साथ मोबाइल फोन और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको सत्यापित करने के लिए यहां से कुछ सबूत पुलिस को जुटाने हैं। इसी के साथ में जो खादिम मोहल्ले का छोटा चौक है जहां पर कि ये पेरेंटल रूप से जहां निवास करता है, जो इसका पेरेंटल हाउस है, वहां पर भी पुलिस इसको लेकर के गई है और वहां पर भी जो तलाशी अभियान है वो इस समय में चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस बहुत तेजी के साथ में अपनी जांच को दिशा दे रही है, आगे बढ़ रही है और जो तमाम कड़ियां अभी तक की पूछताछ में जुड़ती हुई मिल रही है उनसे संबंधित जो दस्तावेजी सबूत है और जो अन्य सबूत है उनका संकलन किया जा रहा है ताकि उनके अन्वेषण के आधार पर 22 तारीख को जब एक बार फिर गौहर चिश्ती को अदालत में पेश किया जाए तो पुलिस अपनी बात को अदालत के सामने रख सके और जो एफआईआर हुई है और उसमें जिन तथ्यों का हवाला देकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है उन सभी तथ्यों से संबंधित सबूत अदालत के समक्ष पेश किए जा सके। जी जी ठीक है मनवीर, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जैसे कोई अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाएगा। अब रुक करेंगे देश की खबरों का।